चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राजधानी देहरादून में बड़ी बैठक के बाद पार्टी चुनाव में इस बार रिकॉर्ड जीत को लेकर बनाए गए प्लान को जमीन पर उतारने में लग गई है। 2024 को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जीत राठी ने क्या कुछ उन्होंने कहा सुनिए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हुई है। केंद्रीय पदाधिकारी भी मौजूद थे और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरह से चल रही है। भट्ट जी, कल एक बड़ी बैठक आपकी हुई है, मुख्यमंत्री जी भी थे, आप थे, प्रदेश प्रभारी थे, तमाम लोग थे संगठन के, सरकार के, तो उस बैठक का मजमून क्या है? देखिये, मुख्य रूप से लोकसभा की योजना बैठक थी और जब योजना शब्द प्रयोग किया जाता है तो हर प्रकार की योजना उसमें सम्मिलित होती है। मत प्रतिशत बढ़ाना उसका बैठक का प्रमुख उद्देश्य था और हम लोगों ने बूथ स्तर तक अपने काम का विस्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी मैं अखिल भारतीय स्तर पर जो हम पर सरल ऐप के माध्यम से रिपोर्ट आती हैं, तो हमारा पहला राज्य है जिसने प्रत्येक बूथ पर 11 लोगों की टोली हमने बना दी है और 71% हमारे पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। तो हमने अपने पन्ना प्रमुख को केंद्रित करते हुए कार्यक्रम की रचना तैयार की है। हमने तय किया कि क्लस्टर स्तर पर हमारे दो क्लस्टर में बनेंगे, एक कुमाऊं क्लस्टर होगा जिसमें हमारी दो लोकसभाएं हैं, गढ़वा क्लस्टर में 3 लोकसभाएं होंगी। हम उन क्लस्टरों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, अपने वरिष्ठ नेता उनका इन्वॉल्वमेंट करेंगे। हर महिला मोर्चे को हमने लखपति दीदी से जुड़ने का कार्यक्रम रखा है कि ओबीसी मोर्चे की जितनी ओबीसी जातियां हैं उनको अलग अलग हर जाति के हिसाब से उनकी सामूहिक बैठकों हमने तय किए। जनजाति के जो हमारे क्षेत्र थारू हैं, बोक्सा है, इन सबके साथ हम कार्यक्रम करते करते उनके विषय को भी समझना और सबको मोदी जी के लिए तैयार रखना, भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने इस भाव के साथ के कार्यक्रम रचना हमने कल बनाई है। नहीं, हमने लक्ष्य बड़ा रखा है और हमेशा हम लक्ष्य भी बड़ा ही रखते हैं और उस लक्ष्य के करीब तक पहुंचने के लिए हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। उसी का परिणाम रहता है कि हम प्रथम द्वितीय स्थान पर रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी इस बार देश के अंदर हम प्रथम स्थान पर आएं, टोटल मतदान का प्रतिशत हमारे पक्ष में ज्यादा हो, इस दृष्टि के हमने कार्यक्रम बनाए हुए हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि पिछले दिनों हमने अपने संगठनात्मक स्वरूप को बहुत मजबूत किया है, हमने सर्वव्यापी सर्वसरसी अपना संगठन तैयार किया है और इस आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हम पांचों लोकसभा पुनः जीतने वाले, हैट्रिक बनाने वाले हैं और हर लोकसभा में ऐसी जीत होगी कि अपोजिशन कई वर्षों तक सत्ते में रहेगा। उत्तर समस्याओं के समाधान के लिए हमारे सांसद प्रयासरत रहते हैं और मैं कह सकता हूं उत्तराखंड के अंदर हमारे पांचों सांसदों ने गुणात्मक रूप से काम करने का प्रयास किया। बीच में कोरोना काल की वजह से कुछ दिक्कतें थी लेकिन उसके बाद भी लगातार अपने क्षेत्र में उनका संपर्क रहना, उस क्षेत्र की समस्या को यथास्थान उसको उठाना और दिशा में एक प्रगति हुई है और वही कारण है कि आज उत्तराखंड के अंदर भाजपामय माहौल बना हुआ है। हमें ये कोशिश की गई थी कि ऐसे गाँव गोद ले जाए जहाँ अनेकों सुविधाएं नहीं है और मुझे आज कहते हुए खुशी है कि जब वो उन गांव में जो आपसे गोद लेने से पहले की जो स्थिति उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। ये ठीक है कि क्योंकि वो ऐसा गांव था जहां विकास की गति पहुंची नहीं थी तो